हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी सड्डा। आज फ्रेंड्स 26 जुलाई है। 26 जुलाई को जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें जो भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे, आज उन सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारक था चर्बी वाला कारतूस। फ्रेंड्स क्या था? चर्बी वाला कारतूस, जो कि 10 मई को शुरू हुआ था यह क्रांति, और इसका विरोध क्या था? मंगल पांडे। बाद में उसे फांसी दे दिया गया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे मिला। तो फ्रेंड्स डिजिटल इंडिया अवार्ड अभी बिहार राज्य को मिला था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्यास सम्मान। तो फ्रेंड्स ब्यास सम्मान शरद पगारे को मिला था फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। ये तीसवां ब्यास सम्मान था और ये शरद पगारे को मिला है और पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर वही पूछता सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान मिला था शरण कुमार लिम्बाले को। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बाज की चाल। तो फ्रेंड्स बाज की चाल 320 किलोमीटर पर आवर होती है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गांधी शांति पुरस्कार 2020। तो फ्रेंड्स गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो शेख मुजीबुर रहमान को मिला, और इसे बंग बंधु के भी नाम से जाना जाता। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले जो 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी। तो फ्रेंड्स ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है मिताली राज, जिन्होंने 10,000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। फ्रेंड्स वर्ल्ड में दूसरी और भारत में पहली। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक्ट 371 यानी कि अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। तो फ्रेंड्स सिक्किम को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिए, किसको? सिक्किम को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अंडमान निकोबार में कौन सी नदी बहती है। तो कल्पोंग नदी अंडमान निकोबार में बहती है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो फ्रेंड्स देखिए कितना चालाक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इसमें सब तो मीटर में याद किया होगा, 8,848.86 मीटर, तो लेकिन यहाँ फीट में पूछ लिया था। तो फ्रेंड्स 29,031.69 फीट, लगभग में 29,031.7 फीट इसका ऊंचाई है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, और मीटर में 8,848.86 मीटर है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिए, गई है नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसे सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत नेपाल के बीच मतलब जो सड़क परिवहन है, मतलब नेपाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है भारत के द्वारा, उसमें कितना कुल कितना रुपया का लागत आएगा, खर्चा आएगा? तो 800 करोड़ रुपया का लागत आएगा। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कितना है। तो फ्रेंड्स इस सूचकांक में भारत का रैंक 40 है, कितना है? 40वां है, और कुल 53 देशों में भारत का रैंक 40वां है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा। तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, कौन सा है? तिब्बत का पठार। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 92 संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स 92 संविधान संशोधन के तहत बोडो डोंगरी मैथिली संथाली ये चार भाषा जोड़ी गई है, और वर्तमान में कुल 22 भाषा है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि C-25 किस देश का लॉन्च व्हीकल है, यानी कि जो PSLV C-25 है किस देश का लॉन्च व्हीकल है। तो भारत का लॉन्च व्हीकल है, और भारत ने इसी से मंगलयान जो मिशन था मार्स में, मंगलयान मिशन, इसी में भेजा था, इसी रॉकेट से PSLV C-25 से। फ्रेंड्स और उस मिशन का नाम था मार्स ऑर्बिट मिशन। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, और इसको लॉन्च किया था कब, 5 नवंबर 2013 को, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, ये सारे क्वेश्चन आप समझ लिए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।